गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कुछ यानी कि मैथ का बुक से हटकर कुछ मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ के बुक से इधर लगातार हम पढ़ा रहे थे, लेकिन आज से मैथ के बुक से कुछ हटकर हम कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। आज जो हम बताने वाले हैं वो कुछ मेंटल मैथ के तहत आता है। ठीक है, यानी कि मेंटल मैथ के अंतर्गत वो सब चीज़ पढ़ने के लिए आता है। तो चलिए कुछ उसी सब में से कुछ पढ़ लिया जाए हम लोग को। सबसे पहले एक पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग। वन वीक बराबर कितना डेज होता है बच्चों? 7 डेज। हम लोग आज इसी पे प्रॉब्लम डील करेंगे। वन वीक में कितना डेज होता है? 7 डेज होता है ना? यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए कह देता है 2 वीक्स है, 3 वीक्स है, तो 3 वीक्स में कितना डेज हो गया, इस तरह से प्रॉब्लम जो रहेगा उसको डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई कहे 2 वीक्स को, क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ रहेगा चेंज इनटू डेज, यानी कि डेज में चेंज करना है। ठीक है, क्या में चेंज करना है? डेज में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, मान लीजिए कि है 2 वीक्स, तब बताइए 1 वीक में कितना डेज होता है? लिखेंगे, क्योंकि एकदम ऐसा बनाएंगे बच्चों कि शिक्षक जो है या कोई भी टीचर जो है एक भी मार्क्स काटे नहीं। ठीक है, एकदम इस तरह से लिख देंगे कॉपी में बिल्कुल सजा कर। देखिए, ऊपर 2 बिंदु नीचे 1 बिंदु रहता है, तो उसको पढ़ा जाता है चूंकि। ठीक है, चूंकि 1 वीक बराबर हम लोग जानते हैं कितना डेज होता है, 7 डेज होता है। 1 वीक बराबर 7 डेज, इसलिए कितना वीक दिया हुआ है बच्चों हम लोग का? 2 वीक्स। तो 2 वीक्स बराबर 7, 2 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा? 14 डेज। ठीक है, यानी कि 2 वीक्स में कितना डेज हो जाएगा? 14 डेज हो जाएगा, है ना? तो यही सब तरह का चीज़ जो होता है वो आप लोग को कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 वीक में कितना डेज हो गया, 2 वीक में, 5 वीक में, ऐसे करके। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आप लोग बिल्कुल साफ साफ और ढंग से अपने अपनी कॉपी में क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। और नोट करने के बाद क्या कीजिएगा, समझिएगा कि कैसे हुआ। और जो ऊपर वाला पॉइंट था बच्चों, इसको तो आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा, ये पॉइंट आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा कि 1 वीक में कितना डेज होता है? 7 डेज। इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे जो मैथ है ये पूरा बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, रिमेम्बर कर लेना, याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। 5 वीक्स, मान लीजिए क्वेश्चन में है अगर 5 वीक्स, अगर है 5 वीक्स में कितने डेज होंगे, तो हम लोग जानते हैं क्या, क्योंकि 1 वीक हम लोग पढ़े हैं कि 1 वीक में कितना डेज होता है, तो 7 डेज होता है। 1 वीक में कितना डेज होता है? 7 डेज होता है। इसलिए कितना वीक्स है बच्चों? 5 वीक्स है। तो 5 वीक्स में कितना डेज होता होगा? तो 5 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 35 डेज, है ना? तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, इसको बना लेना है। चलिए और ले हम एग्जाम्पल, चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। आप लोग इसको एग्जाम्पल को भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर आप लोग को होमवर्क भी हम दे देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। ना हो तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको समझ लिए तो फिर इसका वाला क्वेश्चन पहले वही वीडियो को रोक लीजिएगा और अपने खुद से बना के देखिएगा। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर से आप हेल्प लेकर, वीडियो का हेल्प लेकर बनाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसको पहले आप लोग कुछ समय, आप लोग का वीडियो चलता रहेगा लेकिन हम बोलेंगे कुछ नहीं, आप लोग को जल्दी से बना के बताना है। चलिए आप लोग 10 वीक्स का बना के हमें दिखाइए, 10 वीक्स में कितना डेज होगा। चलिए बनाइए बच्चों, आप लोग कुछ समय दिया जाता है आप लोग को, अपने अपनी कॉपी में इसको नोट कीजिए और नोट करके अभी बनाइए जल्दी से। कितना आ रहा है आप लोग का? अपना अपना आंसर जो है अपने कॉपी पर लिखिएगा। 10 वीक्स, ठीक है, कितना वीक्स? 10 वीक्स हैं।
आप लोग शायद अब बना चुके होंगे, क्योंकि ज़्यादा तो बहुत हार्ड है नहीं, सिंपल सा था। कुछ ऐसे ही बनाए होंगे आप लोग, क्योंकि वन वीक में कितना डेज होता है बच्चों? वन वीक बराबर होता है 7 डेज, है ना? इसलिए कितना वीक्स है बच्चों? 10 वीक्स। तो 10 वीक्स में, 10 वीक्स में जो 10 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 70 डेज, कुछ ऐसे ही बनाए होंगे आप लोग, है ना? तो इसी तरह से आप लोग को क्या कर लेना था, इसको बनाना था। चलिए, तो आज हम होमवर्क में कुछ आप लोग को इसी तरह का जेम बनाने के लिए आप लोग को दे देते हैं, आप लोग से बन भी जाएगा। आप लोग को ऊपर वाला पॉइंट जो था वो याद करना है बच्चों, कि 1 वीक में कितना डेज होता है? 7 डेज। इसको एकदम रटा मार लीजिएगा आप लोग हर हाल में, क्योंकि इसी पे क्या होगा, आप लोग का सारा प्रॉब्लम डील होगा। चलिए, अब आप लोग को हम होमवर्क लिखवा देते हैं, होमवर्क में नोट कर लीजिए। ऐसे आप लोग अपने अपने कॉपी में बिल्कुल साफ साफ बनाकर भेजिएगा। जैसे बनाए हैं बच्चों एकदम उसी तरह से बनाना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। जैसे हम डील किए थे क्वेश्चन आंसर को, उस तरह से क्वेश्चन आंसर को डील करना है। ये नहीं कोई 5 वीक्स बराबर पूछेगा तो डायरेक्ट ऐसे कर दीजिएगा 5 मल्टीप्लाई 7 बराबर 35। तो ऐसे नहीं बनाना है आप लोग को, आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करके बनाना है जैसे हम बनाए, ठीक है? पूरा एक्सप्लेन करते हुए बना लेना है आप लोग को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, चेंज इनटू डेज, यानी कि इसे क्या करना है, डेज में चेंज करना है। मान लीजिए दिया हुआ है, फर्स्ट में नोट कीजिएगा 7 वीक्स, टू में लिखिएगा 4 वीक्स, थ्री में लिखिएगा 9 वीक्स, फोर में 5 वीक्स, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखिएगा 8 वीक्स, ठीक है? तो यही आप लोग का क्या होगा, प्रॉब्लम रहेगा। कैसे बनाना है बता दिए है ना बच्चों? चलिए एक लास्ट और समझ लीजिए, एक लास्ट आप लोग को और बता देते हैं। फिर भी हम क्या बोले हैं, डायरेक्ट नहीं बनाना है, तो बनाना है कैसे, कुछ इस तरह से। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ऊपर में जो लिखे हैं वो आप लोग का होमवर्क है, ठीक है? एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं एक अलग से। मान लीजिए कि ले लेते हैं कितना, 12 वीक्स ले लेते हैं। ये 12 वीक्स में कितना डेज होगा? तो हम लोग जानते हैं, अभी अभी पढ़े हैं क्या, कि 1 वीक्स में कितना डेज होता है? 1 वीक में होता है 7 डेज। इसलिए 12 वीक्स में कितना डेज हो जाएगा? 12 वीक्स में 12 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 84 डेज। एकदम इसी तरह से आप लोग को बनाना है बच्चों, ठीक है? डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को क्या करना है, अपने कॉपी में बनाना है साफ साफ, ठीक है? तो आज का होमवर्क में आप लोग का हो गया, होमवर्क में मैथ में चेंज इनटू डेज मेक करना है, मेक इन कॉपी, ठीक है बच्चों? इसको क्या कर लेना है आप लोग को, मेक कर लेना है कॉपी में, ओके? बिल्कुल साफ साफ है।